मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का आज ही मोदी जी ने हरा झंडा दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और ट्रेन चलते ही इस ट्रेन में भयंकर बवाल हुआ और इस बवाल का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगा। बताया गया कि एक महिला के साथ मिसबिहेव किया गया, मारपीट की गई, ये सब कुछ सामने आता है वंदे भारत ट्रेन जैसे ही चलती है। जैसे ही पहले मोदी जी ने झंडा दिखाया और ट्रेन चलना शुरू हुआ तो उसके बाद ये तस्वीर, ये वीडियो निकल कर सामने आया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या आरोप लगा है, ये क्या पूरा मामला है, मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। आप पहले इस वीडियो को देखिए कि क्या कुछ हुआ है जैसे ट्रेन चला और उसके बाद ट्रेन के अंदर से क्या कुछ देखने को मिला, ये पहले आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल पूरी खबर क्या है। अभी हम अपने कैबिन से लास्ट वाले डोर से कुछ खाने पीने के लिए लेने जा रहे थे, नहीं लेने जा रहे थे तो किसी अंकल ने, उनकी वीडियो भी है मेरे पास, किसी अंकल ने हमें बोला कहाँ जा रहे हो, एक मिनट, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये भाजपा का कैबिन है। हमने बोला हम खाना लेने जा रहे हैं, हमें जाने दो, नहीं यहाँ से नहीं जा सकते, जाओ यहाँ से। तो इसने बोला कि भैया हम खाना ही तो लेने जा रहे हैं, तो वो हमें जाने नहीं दे रहे थे। फिर हम वो बोले तो मुझे जानते नहीं हो, मैं भाजपा का कार्यकर्ता, तो बोला हम तो नहीं जानते। फिर उन्होंने हमें जाने दिया। फिर जब हम वापस आ रहे थे उन्होंने हमें फिर रोक लिया, फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया कि तुम ये बार बार आना जाना क्यों हो रहा है यहाँ से। नहीं मैं नहीं जानती, बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। मेरे पास वीडियो भी है, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? अरे मुझे मारा भी है, छोटी सी हाइट की, देखो ये धक्का दे रही थी, मेरे यहाँ पे लगी है, मतलब देखो ये मारेगा मुझे, देखो ये मारा, देखो बीजेपी कार्यकर्ता एक काम करेंगे, अगर मान लीजिए बीजेपी की लीड हायर कमान ने इस ट्रेन को रखा है एंड वी आर इन्फ्लुएंसर्स, हमें इनवाइट किया है, शी इज अ गर्ल, हमारे साथ और भी आगे लड़कियां हैं, अगर इनके साथ ऐसा काम किया जाएगा और आप अपने इस ट्रेन को अपनी बपौती मानेंगे, अगर बीजेपी वाले, हम लोग मेरठ से हैं, वी आर फ्रॉम जागृति बिहार, वी हैव अ चैनल ऑन इनक्रेडिबल मेरठ, प्लीज तो पीपल, बीजेपी वाले लोग ऐसा इस ट्रेन पर कब्जा करना चाह रहे हैं कि उनकी ट्रेन है, दे वॉन्ट के उनकी ट्रेन है, हम उनके केबिन से निकले, जब यहाँ से रास्ता है तो निकला जाएगा ना, एंड दे आर मिसबिहेविंग विद माई सिस्टर, उन्होंने बोला कि यहाँ से निकलना नहीं है, बार बार क्यों निकल रहे, जबकि हम एक बार ऐसे गए और ऐसे गए, एंड देन वी स्टार्टेड कि हम लोग आगे जा रहे हैं, तो हाँ मारा, वीडियो है हमारे पास, सी दिस इज द वीडियो, ये देखो मारेगा। वीडियो देख लिया आपने, वीडियो में क्या हुआ, किस तरीके से हंगामा हुआ, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगे कि महिला के साथ मिसबिहेव किया गया और उसके साथ जो लोग थे उनके साथ मारपीट भी की गई। अब इस मामले में बहुत सारे लोग वहां पे शामिल थे, वंदे भारत ट्रेन का ये इनॉग्रेशन था और उसको लेकर पत्रकार भी पहुंचे हुए थे, तो ऐसे में दैनिक भास्कर की पत्रकार भी उस ट्रेन में मौजूद थी और दैनिक भास्कर ने इसको लेकर क्या कुछ लिखा है वो आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। ट्रेन का इनॉग्रेशन था, ऐसे में भास्कर रिपोर्टर भी ट्रेन में मौजूद थी। रवाना होते ही घटना हुई, पीड़ित लड़की ने दैनिक भास्कर को बताया कि मैं अपने केबिन से खाने पीने का सामान लेने जा रही थी, इस दौरान एक अंकल ने कहा ये भाजपा का केबिन है, यहाँ से नहीं जा सकती, हम भाजपा के कार्यकर्ता है। आगे लिखा गया, जवाब में लड़की ने कहा हम लोग दिल्ली से है, भाजपा से जुड़े हैं, स्किल इंडिया के लिए यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इस पर वो लोग मिसबिहेव करने लगे, मैं छोटी हाइट की लड़की हूँ, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई और मेरे भाई को थप्पड़ लगाया गया। तो ये दैनिक भास्कर की खबर थी, वीडियो में भी आपने देखा दैनिक भास्कर की एक रिपोर्टर वहां पे मौजूद थी जिसने वहां लोगों से पूछा कि क्या हुआ। महिला बता रही है, जो एक लड़की वहां पर ट्रेन में थी, जिसने बताया कि मेरे साथ धक्का मुक्की की गई और उनके साथ जो थे उसको थप्पड़ तक लगाया गया। बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ और मोदी जी ने झंडा दिखाकर ट्रेन को रवाना किया, जिसके बाद होता यह है ट्रेन चलने लगती है और ये जो लड़की थी ये एक केबिन से दूसरे केबिन में जा रही थी कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, लेकिन वो केबिन जो था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें अपना कदम जमाया हुआ था, यानी कि ये केबिन उन्हीं लोग का था। उसके बाद होता यह है कि ये पूरा मामला सामने आता है, उस केबिन से वहां पर आने जाने के लिए मना कर दिया जाता है, जिसके बाद वैसा वैसी होती है और उसके बाद ये मामला सामने आता है।
एक तरफ मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई वंदे भारत को, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस ट्रेन में शामिल थे उन्होंने मोदी जी की किरकिरी करवा दी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जो कुछ भी आपको इस वीडियो के हवाले से देखने को मिला है कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।